सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एंड आज की सारी वीडियो के अंदर मैं अपने चैनल पर एक ब्रांड न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ, जो कि है माइनक्राफ्ट एंड्रॉइड जावा सीरीज, यानी कि पूजो लॉन्चर की सर्वाइवल सीरीज। एंड मेरे को पता है कि मेरा ज़्यादातर ऑडियंस जो पूजो लॉन्चर ही खेलती है एंड उनको पूजो लॉन्चर का कंटेंट ही पसंद आता है। सो इसीलिए मैं सोचा कि मेरे को पूजो लॉन्चर पर एक सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी कभी जावा वर्जन खेला नहीं। वैसे मेरे पास पूजो लॉन्चर था, बट मैं इसमें एकदम ढंग से कभी सर्वाइवल खेलता ही था, खाली मैं वीडियो बनाता था एंड पूजो लॉन्चर को बंद कर था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी एक दो दिन पहले, तो उस पर भी तुम लोगों ने बोला था कि पूजो लॉन्चर की सीरीज स्टार्ट कर लो, वही बढ़िया रहेगा। सो आज हम लोग सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं एंड रैंडमली मैं एक वर्ल्ड बना देता हूँ यहाँ पर सिंपली, एंड आई डोंट नो विलेज मिलेगी या नहीं। सो सिंपली यहाँ पर मैं सर्वाइवल रख रहा हूँ एंड तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड का नाम भी यहाँ पर रख ही देते जल्दी से, एंड आई डोंट नो मेरे पर कोई भी नाम नहीं बताया क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्वाइवल वर्ल्ड बना रखे हैं। सो इसका नाम मैं क्या रखूँ, सो इसका नाम मैं रख रहा हूँ SUBSCRIPE। तो मेरे को और कुछ नाम मिला नहीं, सो यही नाम मिला मेरे को। एंड हाँ, तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा सो सब्सक्राइब कर देना यार। एंड जल्दी से हम लोग न्यू वर्ल्ड क्रिएट करते हैं एंड हम लोग की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो हम लोग का वर्ल्ड यहाँ पर बन चुका है। एंड हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत रेंडर सेंस कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है भाई। मैंने रेंडर सेंस एकदम 4 पे कर रखी है, 2 पे एकदम ठीक रहता है, थोड़े बहुत FPS आ सकते हैं। एंड हाँ, मैंने एक कस्टम चीज यूज़ करा है जो कि है, वो मैं भी तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, वो एक थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं, वो मैं तुम लोगों को सीरीज़ का थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, जो कि मैं तुम लोगों को अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर दे दूंगा। एंड हाँ, मैंने कस्टम चीज ले लिया क्योंकि मेरे को विलेज ढूंढने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, दैट्स वाई। एंड भाई अभी FPS काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा है क्योंकि एकदम अभी वर्ल्ड क्रिएट करा है मैंने, धीरे धीरे आ जाएंगे फिलहाल। बट हाँ, उससे पहले मैं विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ एंड स्प्रूस वाली बायोम में। सो हाँ, यहाँ पर एक प्लेन बायोम में भी है जो कुछ पास में होगी। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत चेस्ट लूट लेते हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी बहुत वुड, बेरीज एंड पोटैटो मिल चुके हैं। एंड जो सीड वगैरह अभी मैं इनको यहीं रहने देता हूँ। एंड इधर तो कुछ नहीं, इधर खाली बैड ही लगा हुआ है। एंड इस घर में कुछ है भाई, डबल डबल लगा रखे इन्होंने तो। एंड यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। एंड ये विलेज ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी विलेज है जिसके अंदर हम लोग को ठीक ठाक लूट मिल जाएगी। फिलहाल इसको लूटने के लिए मैंने नहीं लिया है सीड, बस हम लोग एक बार सेफ रह जाए, हम लोग को रहने के लिए एक जगह मिल जाए, इसलिए मैंने कस्टम सीड लिया है। एंड भाई यहाँ पर तुम लोगों को देख सकते हो, यहाँ पर भाई मतलब जो प्लेन्स के अंदर स्प्रूस वाली विलेज यहाँ पर फैली हुई है भाई, ये भी सही है। ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, मतलब प्लेन बायोम के अंदर स्प्रूस वाली विलेज फैली हुई है पूरी। एंड इन घर के अंदर भी देख सकते हो कुछ लूट वगैरह मिल जाए तो। ये सब मैंने एक वुडन की पेक्स तो बना दी है एंड साथ ही मैं डायरेक्ट मैं उसकी भी मतलब टूल्स बनाऊंगा, क्या बोलते हैं, स्टोन के। सो डायरेक्ट मैं नीचे डिग करता हूँ एंड कुछ स्टोन्स वगैरह माइन कर देता हूँ। एंड हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा है सो डिस्कॉर्ड सर्वर भी तुम लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे इस वर्ल्ड की जो डाउनलोड लिंक्स वगैरह होने वाली है वो सब मैं तुम लोग डिस्कॉर्ड में बता दूंगा। एंड हाँ, तुम लोग मेरे से बातें करना चाहते हो कुछ भी तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। वैसे ये चैट वहाँ की डैट पड़ी रहती है, तो कोई आ जाओ मेरे से बातें करने के लिए, मेरा भी टाइम पास नहीं होता है। एंड अगर तुम लोगों को टाइम पास नहीं होता है तो तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो यार। ओके, सब मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स तो माइन कर लिए, जल्दी से यहाँ पर मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे को एक एक्स बना लेते हैं, स्वॉर्ड तो रहने दो क्योंकि स्वॉर्ड का काम एक्स ही कर लेती है, क्योंकि माइनक्राफ्ट जनरेशन के अंदर एक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है स्वॉर्ड से भी, स्टोन एक्स। एंड हाँ, अब हम लोग थोड़ा बहुत शिकार कर लेते हैं। वैसे हम लोग शिकार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा हम लोग पास खाने का स्टफ है, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मारना तो पड़ेगा ही यार इन बेचारे मासूमों को। एंड हाँ, जो हम लोग घर बनाने की जगह वो मैंने सोच लिया है, यहीं कहीं मैं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खुला खुला सा यहाँ पर एरिया है। एंड साथ ही हम लोग विलेज के पास ही बन जाएगी। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत शुगर कैन भी है, सो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से। एंड एक काम करता हूँ, इसको लेके यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ। एंड भाई यहाँ पर दोस्तों फॉक्स भी है यहाँ पर, एंड थोड़ा बहुत पम्पकिन वगैरह भी कर लूँगा ताकि मैं पम्पकिन पाए वगैरह बना पाऊँ। एंड एक काम करता हूँ, ये जो शुगर कैन मैंने लिए हैं उनको मैं यहीं पर लगा देता हूँ ताकि ये बाद में उग जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये काम आने वाले हैं ये बाद में। ओके, सो अभी मेरे पे कुछ करने का था नहीं, तो यहाँ पर मैं कोई केव मिल गई, सो डायरेक्ट मैं केव में आ गया। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई, केव में आती एकदम आयरन मिल गया हम लोगों को। एंड मैं सोच रहा हूँ अभी हम लोग आयरन का आर्मर बना देते हैं, क्योंकि जो हम लोग घर बनाएगा उसका कोई डिज़ाइन सोचा नहीं है। सो अभी मैं घर तो बनाने वाला हूँ, उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बनाने वाले हैं। बट यार, तुम लोग मुझे सजेशन देख सकते हो किस टाइप का घर बनाना चाहिए। एंड हम लोग को ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है क्या भाई यहाँ से? एंड भाई यार, जावा वर्जन के अंदर आयरन ही आयरन भरा हुआ होता है, मैंने सुना है एंड मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। तुम लोग देखते हो केव में अंदर घुसा नहीं, यहाँ पर आयरन कोल भाई भर भर के यहाँ पर पड़े हुए हैं। एंड अभी मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा, वो वैसे मैं एडिटिंग में एडजस्ट कर लूँगा ब्राइटनेस वगैरह को, बाकी तुम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर अंधेरा है, मेरे पे टॉर्चेस भी नहीं है। फिर यहाँ पर कोल लेता हूँ एंड थोड़ी बहुत टॉर्चेस बना ही लेता हूँ मैं भी। ओके, सो अभी जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही मैंने यहाँ पर टॉर्चेस बना दिए, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा काम आ गई। एंड भाई देख तो कितना जल्दी यहाँ पर आयरन मिल रहा है भाई, मैं तो अभी बना दूंगा, खाली हम लोग थोड़ा बहुत चाहिए। एंड मेरे पास हो जाएगा सब चीज़ें।
24 चाहिए होता है पूरा डायमंड आई थिंक आयरन आर्मर के लिए। सो जल्दी से ले लेते हैं, एंड टूल्स वगैरह में भी आयरन के बना ही दूंगा जल्दी से ऊपर चल के। सो अभी मैं माइन करते करते मतलब इसको माइन को एक्सप्लोर करते करते काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, बट अभी मेरे पे इनफ आयरन हो चुका है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाऊँ, इसको हम लोग बाद में मैं या फिर मैं ऑफलाइन में इसको एक्सप्लोर कर लूँगा, क्योंकि अभी मैं मरना चाहूँ इसलिए मेरे पे काफ़ी ज़्यादा स्टफ हो चुका है। सो अभी मैं सीधा ऊपर ही जा रहा हूँ, एंड आई थिंक सो यहीं से रास्ता था। हाँ तो यहीं से रास्ता था। एक काम करता हूँ, मैं टॉर्चेस वाला लेता हूँ, एंड मेरा क्लिक डबल क्लिक हो रहा है, एंड यहाँ पर और भी ज़्यादा आयरन मिल चुका है। रास्ते में जो आयरन मिल रहा है वो लेते ही जाते हैं, क्योंकि भाई क्यों छोड़ना भाई फ्री का माल। एंड भाई मैं इधर आया उस घर को ढूंढते उड़ते हैं, एंड यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक स्नो बायोम भी, मतलब भाई क्या ये सीड है यहाँ पर टैगा बायोम में, टैगा बायोम में कहते हैं स्प्रूस वाली को। एंड इस साइड हम लोगों को माउंटेन भी देखने को मिल जाएंगे विथ स्नो, ज़्यादा स्नो नहीं है, थोड़ी बहुत स्नो है यहाँ पर। एंड यहाँ पर साथ में हम लोगों को प्लेन बायोम मिल जाएगी, भाई एकदम मज़ा ही आ गया। एंड यहाँ पर सैंड वगैरह भी काफ़ी ठीक है, एकदम बढ़िया सा हम लोगों को एरिया मिला है। यहाँ पर थोड़ी छोटी सी रिवर भी है, विलेज भी है, माउंटेन भी है, एकदम बढ़िया सा हम लोगों किंगडम यहाँ पर बन जाएगा। वैसे अभी तक मेरे को वाला घर नहीं मिला जहाँ पर आई थिंक फर्नेस था। ओके सो अभी मेरे को वो घर तो मिल गया फर्नेस वाला, एंड अभी मैं अपना घर भी यहीं बसाने वाला हूँ थोड़े टाइम के लिए। भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपना घर तो बना ही लेंगे। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, चेस्ट वगैरह बना देता हूँ, देन मैं एक बार और माइन में जाता हूँ, क्योंकि मेरे पे थोड़े बहुत कोल्स कम पड़ सकते हैं सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। सो अभी जो भी स्टफ है मेरे पास एक्स्ट्रा, उन सबको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मैं इनको खोऊँ ना, एंड यहाँ पर रख देते हैं। ओके सो अभी टोटल 27 यहाँ पर आयरन जो स्मेल्ट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चेस्ट प्लेट, देन हम लोग बनाते हैं लेगिंग्स, एंड यहाँ पर बन गए हम लोग की हेलमेट, एंड अभी खाली बचा है यहाँ पर बूट्स। सो यहाँ पर मैं बूट्स को ही बना लेता हूँ, देन हम लोगों का आयरन आर्मर एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से मैं इसको एक्विप कर लेता हूँ, ये बूट पहने हैं, या मैंने चेस्ट प्लेट पहन ली, एंड हेलमेट भी पूरा कंप्लीट हो गया, एंड पूरा आयरन आर्मर हम लोग कंप्लीट हो गया। एंड अभी हम लोग के जो टूल्स है वो भी बाकी के हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर जल्दी से हम लोग बनाते हैं पिकैक्स सबसे पहले तो, एंड पिकैक्स बनाने के लिए थोड़े बहुत वुड्स लगेंगे, क्योंकि मैं चाहिए स्टिक्स, एंड ये बन गए हम लोगों की स्टिक, एंड इसको स्टिक को बना लेते हैं। एंड हम लोग बनाते हैं अब जल्दी से, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक पिकैक्स, वेयर इज पिकैक्स, ये पिकैक्स, एंड पिकैक्स बना लेते हैं। पिकैक्स के बाद हम लोग बनाते हैं एक्स, एंड अभी एक और हम लोग बनाते हैं स्पॉट्स, एंड ये लो गई। एंड हाँ बट उससे पहले स्पॉट्स से पहले एक वाटर बकेट बना लेता हूँ, क्योंकि भाई एमएलजीज वगैरह करने में वाटर बकेट काम आती है। सो वाटर बकेट भी बन गई, एंड दो और स्मेल्ट हो गए तो अच्छा है, एक और स्मेल्ट हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं एक शील्ड्स भी बना लेता हूँ, शील्ड्स नहीं, एंड हाँ ओके सो अभी शील्ड भी यहाँ पर बन चुकी है, एंड जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ एक्विप। एंड बाय द वे हाँ मेरे को एक चीज़ भूल गया था इसके अंदर, कि हम लोग लेफ्ट हैंड के अंदर भी टॉर्च पकड़ सकते हैं केव्स के अंदर। सो वो मैंने करा ही था, आई डोंट नो वाई मैं भूल गया था, इसलिए मेरे को डायनेमिक लाइट्स को ऑफ करना पड़ेगा आई थिंक, मतलब ऑन करना पड़ेगा। सो हाँ अभी हो चुकी है ना वर। एंड यहाँ पर मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक स्वॉर्ड, सो ये आ गई स्वॉर्ड। वॉन्ट द हैक हम लोग को चाहिए स्टिक्स, सो ये री स्टिक, अरे स्टिक क्यों नहीं आ रही है, हाँ सो ये री स्टिक बन गई, एंड हम लोग को बनाने की स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ये री स्वॉर्ड, एंड डन। सो अभी टूल्स वगैरह एंड आयरन का आर्मर एकदम बढ़िया से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बनकर। एंड या अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक कर देना, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई होगी, टोटल अभी रिकॉर्डिंग हो गई है 21 मिनट्स की। सो इतना काफ़ी है आज की इस वीडियो के लिए, एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या करूँ तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। वैसे तो मैं घर बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि घर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, सो वही मैं बना लूँगा, या फिर तुम लोग कोई भी सजेशन हो सो तुम लोग मुझे दे सकते हो कमेंट में। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।